बाद रिलीज हुई पैसे कमा रही है, लेकिन बस मार्केटिंग करने से रुक नहीं रही है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि रिलीज के बाद भी कम से प्रोमो आउट हो रहे हैं पर प्रमोशन। अरे भाई रुक जाओ खान साहब, बस रुक भी जाओ, फिल्म हिट हो गई है। नए प्रोमो में एसआरकी का एक सीन वायरल हो रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं, तू अंत है तो मैं काल हूँ, तू तीर है तो मैं ढाल हूँ, हूँ फूटे पाप से परे चिता से उड़ती आग हूँ, मैं जो ना टले वो श्राप हूँ, मैं तुम्हारा बाप। ये शायद एसआरके ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के प्रोडक्शन के बाद ही लिखवाया होगा। जो दूसरी फिल्मों पर तंज है, इसके अलावा जवान को लेकर तरह तरह की मीम चले, उनमें से एक बहुत पॉपुलर हुआ। फिल्म की रिलीज से पहले कहा जा रहा था कि अलग अलग इंडस्ट्री के स्टार फिल्म में कैमियो करने वाले हैं। उसकी तर्ज पर बने मीम में लिखा था, तेलुगु वर्जन तमिल वर्जन देखेंगे, तमिल में थलापति विजय, कन्नड़ में यश, अमेरिकन में टॉम क्रूज, ब्रिटिश में टॉम वॉलैंड। फिल्म की रिलीज के बाद अलू अर्जुन और थलापति विजय वाली बात मीम बन गई, लेकिन उससे पहले बताया जा रहा था कि दोनों फिल्म में नजर आएंगे। कई मौकों पर दोनों का नाम भी फिल्म से जुड़ा। खबर आई थी कि अलू अर्जुन को कैमियो के लिए अप्रोच किया गया, फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद खबर आई कि चुपके से उन्होंने अपना हिस्सा शूट कर लिया है। फिल्म आने के बाद ये सारी बातें फर्जी निकली। जवान के हर वर्जन में सिर्फ संजय दत्त ही नजर आए। रिपोर्ट के मुताबिक अलू अर्जुन को जवान में कैमियो करने के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसकी बचाव पुष्पा द राइज है। जी हाँ, इटली जवान की प्री क्लाइमैक्स सीक्वेंस के लिए साउथ की किसी बड़े स्टार को लाना चाहते थे, लेकिन पुष्पा द राइज की कामयाबी के बाद अलू अर्जुन शाहरुख खान की फिल्म में कैमियो नहीं करना चाहते थे। उनकी जगह पर संजय दत्त आए। पुष्पा के बाद अलू सोच समझ कर अपने रोल चुन रहे हैं। उनकी प्रायोरिटी बड़ी वेटेज वाले रोल ही होंगे। शाहरुख और अलू अर्जुन भले ही तुझे में साथ ना नजर आए, लेकिन दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं। शाहरुख खान से आस्क एसआरकी में कई मौकों पर अलू अर्जुन के बारे में सवाल किए गए। उन्होंने कहा कि मास फिल्मों की तैयारी के लिए उन्होंने रजनीकांत, यश, अलू अर्जुन और थलापति विजय की फिल्में देखी। दूसरी ओर अलू अर्जुन की साल 2018 की एक पोस्ट वायरल होती रहती है। उन्होंने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से एक फोटो शेयर कर लिखा था, तुझे देखा तो ये जाना सनम, साल 1995 में ये फिल्म देखते वक्त मैंने अपनी जिंदगी का सबसे जादुई लम्हा महसूस किया था, और आज 23 साल बाद मैं फिर से ये फिल्म देखी, फिर से दिल में वही प्यार और जादू महसूस किया, मेरी जिंदगी का सबसे ऊंचा सिनेमैटिक मोमेंट, आज कल और हमेशा। वर्क फ्रंट की बात करें तो अलू अर्जुन ने पुष्पा 2 की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। पुष्पा 2 द रूल 15 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। तो फिलहाल आप हमें ये बताइए कि आपको पुष्पा 2 का कितना इंतजार है और आपने जवान देखी या फिर नहीं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।